हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारे रियांश कौन से पोजीशन पर चल रहा है आइकॉनिक गोल अवार्ड्स पर, तो आप लोगों को बता दूं, हमारे रियांश अगले वीक की अगर माने, अगले वीक में हमारे रियांश जो है इतना वोट गया है कि फोर्थ पोजीशन पर आया है आइकॉनिक गोल अवार्ड्स के। वीकली रैंकिंग्स होते हैं, उसके बाद मंथ का आता है, उसके बाद जितने महीने वोट हो गए सारे वहीं पर। वहाँ पर जो है कोई चीटिंग नहीं होती है आइकॉनिक गोल अवार्ड्स पर। इन कुछ हफ्तों में हमारे रियांश फैंस ने इतना वोट किया कि वो एक नंबर कम में आ गई, मतलब कि अच्छा ही हुआ, बट इतना भी अच्छा नहीं हुआ। और 3 दिन बचे हैं रियांश को वोट करने के लिए। सो प्लीज़ वोट करो यार, भर भर के वोट करो। एंड अभी फैंस जो है ना, वोट ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ किसी को ना किसी को लेके बैठ जा रहे हैं डिस्कस करने से, कि राहुल निया को बोल रहे हैं कि राहुल के तो बहुत सारे फैंस है, मतलब सॉरी फ्रेंड्स है, एंड निया के बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो लोग उनके बर्थडे में क्यों नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ राहुल आए और एक भी थे विनीत रायना, वो क्यों आए। तो ये सब चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों को वोट करना चाहिए। और 3 दिन बचे हैं रियांश को वोट करने में। सो प्लीज़ की वोटिंग में ध्यान दो। एंड रियांश फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड अब आप लोग पूछोगे वानी कौन से पोजीशन पे है, शाकी कौन से पोजीशन पे है, राधा कृष्ण जोड़ी सॉरी सुमेलिका या फिर राधा कृष्ण जो भी कहो, तो वो कौन से पोजीशन पे है, एंड फतेह जोड़ी, शाकी जोड़ी, प्रीरन जोड़ी, कायरा जोड़ी, ये लोग कौन से पोजीशन पे है, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझको नहीं पता है। मतलब कि हम लोगों को बस जो मेन चीज़ होती है वही हम लोग जो है अपडेट ढूंढते हैं, एंड ज़्यादा जो रहता है वो सब हम लोग नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि फैंस को जो चाहिए वही चीज़ें हम लोग ज़्यादातर ढूंढते हैं। एंड आप लोग बता दें रियांश फोर्थ पोजिशन पर है, अगर आप लोग 2 दिन वोट करोगे तो और कितने पर आएगा, थर्ड पर आएगा, तो थर्ड पे आएगा उसका सेकंड फर्स्ट मान में जो जोड़ी फर्स्ट लेके, मतलब जहाँ से जो है वोट स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेके अगर वो लास्ट तक अगर रहती है, शुरुआत से लेके लास्ट तक अगर रैंकिंग्स के टॉप 5 में अगर वो रहती है वीकली वाइज रैंकिंग्स के, तो वो जोड़ी विनर बन सकती है। बट ऐसा हो सकता है गाइस, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म कि ऐसा ही होएगा या फिर हो रहा है, पहले भी हो चुका है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, यही था बस अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो अपडेट आती है वही शेयर करती हूँ। एंड आप लोग बता दूँ रियांश जोड़ी के वोट्स इतने कम है, वोट्स है बट उसको फैंस वोट नहीं कर रहे। एंड सब कुछ आपके हाथ में है, जो करेंगे अब आप लोग ही करेंगे, आप लोग के हाथ में सब कुछ, आप लोग वोट करेंगे तो रियांश जीतेगा, आप लोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। सो प्लीज़ की वोटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दो भाई, इधर उधर निया को लेके, राहुल को लेके, हेली को लेके, इश्क में मजाओ को लेके, ममता मैम को लेके डिस्कस मत करो, हेली को ट्रोल मत करो, कुछ मत करो, बस वोटिंग में ध्यान दो। एंड उसके बाद आप लोग ट्रेंड्स में पार्टिसिपेट करो, जब वोटिंग लाइंस क्लोज हो जाएगी तो आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने वोट क्यों नहीं किया, उस टाइम हम लोग डिस्कस करने क्यों लग गए। तो आप लोग बाद में जो आप लोग ऐसा सोचोगे, तो सोचने से पहले आप लोग ऐसा कर लो, क्योंकि आप लोग वोट नहीं करोगे तो हमारा रियांश जोड़ी नहीं जीत पाएगा। तो यही था बस अपडेट, जल्द मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में।